और लेसन नंबर 3 जेनेटिक्स वाला पूरा हो चुका है और आज हम इसके बायोलॉजी वाले भाग के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लेसन जो है आपके 3 अंक का है, यानी कि इसमें से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे, तो ध्यान देना, इम्पोर्टेंट लेसन है ये। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो आप जानते हैं कि हम रोजाना प्रतिदिन अनेक रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम आसानी से रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो क्या होती है प्रतिरक्षा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरक्षा विज्ञान रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु, उन्मूलन का मतलब है उनको नष्ट करने के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। इसे कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो है दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो होती है स्वाभाविक और एक होती है उपार्जित। तो हम सबसे पहले जो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, क्या है ये, ध्यान देना, यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। जन्मजात का मतलब है यह हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि। इसे सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को हम क्या कह सकते हैं, सामान्य भी कह सकते हैं या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है। क्या नहीं करती है, यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है। यह सभी प्रतिजन के विरुद्ध, इसके विरुद्ध सभी प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब है बाहरी रोगाणु जो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, हमें रोगग्रस्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। तो यह सभी प्रतिजन के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, समान तरीके से, है ना, विशिष्ट रूप से किसी प्रतिजन को ये नष्ट नहीं करती, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सामान्य विधि भी कह देते हैं। तो देखो, ध्यान देना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक होते हैं। कौन कौन से कारक जो है इसमें हमारी मदद करते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा में, तो सबसे पहले देखिए भौतिक अवरोधक। कैसे अवरोधक, भौतिक अवरोधक। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे देखिए त्वचा, है ना, हमारी स्किन, नासिका छिद्रों यानी कि हमारे नाक के जो छिद्र है, तथा अन्य अंगों पर पाए जाने वाले पक्षमाव। पक्षमाव का मतलब है छोटे छोटे रोम या बाल, उनको हम क्या कहते हैं, पक्षमाव। वह कसा, श्लेष्म, उपकला आदि, ये कैसे अवरोधक है, भौतिक अवरोधक है जो हमें भारी रोगाणुओं से बचाते हैं या हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रासायनिक अवरोधक। कौन से अवरोधक, रासायनिक, जैसे देखिए आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, आपको पता है हमारा जो आमाशय है इसमें एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल बोलते हैं। तो ये जो है भोजन के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों या रोगाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। तो आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, विभिन्न देह तत्व यानी हमारे देह शरीर में पाए जाने वाले तरल जैसे तत्व, इसमें आते हैं अपने लार, अश्रु, पसीना, ये कैसे हैं, हमारे देह में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व होते हैं जो हमें प्रतिजन से या रोगाणुओं से सुरक्षित रखते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा
कक्षा में शायद दो कारक हो गए। अब हम स्वाभाविक प्रतिवृक्षों की देखे अगले अवरोधक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा अवरोधक है कोशिका अवरोधक, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती है जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। जैसे कौन कौन सी कोशिकाएं? भक्षकाणु क्रिया में सहायक कोशिकाएं। भक्षकाणु का मतलब है जो प्रतिजन को या रोगाणु को क्या करती है, खा जाती है या उनका भक्षण करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? भक्षकाणु क्रिया। तो भक्षकाणु क्रिया में कुछ कोशिकाएं सहायक होती है, जैसे जिनके मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, ये ऐसी कोशिकाएं जो भक्षकाणु क्रिया में सहायक होती है। तो इस प्रकार कोशिकाएं भी है जो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में सहायक होती है। इसके बाद चौथा अवरोधक आता है ज्वर या सूजन। तो ज्वर, ज्वर का मतलब है बुखार, हल्का बुखार, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वर। तो जब शरीर का बुखार होता है तो ताप बढ़ जाता है ना, तो इस ताप बढ़ने के कारण भी जो है सूक्ष्म जीव या प्रतिजन जो है नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जब सूजन आती है शरीर के किसी अंग में या किसी भाग पर, तो उसी प्रकार का जो है एक पदार्थ या रासायनिक तरल वहां से स्रावित होता है जो उन रोगाणुओं को या प्रतिजन को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार आपने देखा स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में ये चार प्रकार के कारक सहायक होते हैं। कौन कौन से, एक बार मेरे साथ दोहराइए। भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक, ज्वर और सूजन। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद अब हम जो है प्रतिरक्षा की अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं। पहली विधि कौन सी पढ़ी आपने? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। दूसरी प्रतिरक्षा विधि आती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, जो मोस्ट है, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कौन सी? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो आपने देखा था स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि ये कैसी होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा विधि ऐसा नहीं है, यह हमें वातावरण से या बाहरी पदार्थों से अर्जित की जाती है, प्राप्त की जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, यह अनुकूली तथा विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? यह अनुकूली तथा विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में ध्यान देना, क्या इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक, पोषक मतलब होस्ट, होस्ट यानी मेजबान, किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति, इसके विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। प्रघात मतलब क्या करता है? उस पर चोट करता है, प्रहार करता है, उसको नष्ट करता है। क्या होता है इसमें, इस विधि में विशिष्ट प्रतिरक्षा में कि किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। कौन? जो होस्ट या मेजबान, जिस पर प्रतिजन या रोगाणु जो है अपना आक्रमण करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ध्यान दीजिएगा विशिष्ट प्रतिरक्षा जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली विधि है सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या होता है इसमें, किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर, कौन? हमारा जो है शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर हमारा जो है स्वयं ही प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगा, किसके विरुद्ध? प्रतिजन के या रोगाणुओं के विरुद्ध, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो ध्यान देना इसमें क्या होगा, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में, इसमें शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाह्य बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है वो स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी नहीं बनाएगा। क्या होगा इसमें? बाहर से किसी प्रतिरक्षी को शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है। किसके अंतर्गत?
जैसे कि देखते हैं, उदाहरण देते हैं, डिप्थीरिया टीके है ना, इंजेक्शन जो होते हैं ये जो है किस प्रकार के प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इंजेक्शन या टीकों के द्वारा हमारे शरीर में मृत या दुर्बल सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करवाया जाता है और उनको प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर की जो श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिका जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं वो सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने के बाद जो है क्या करती है वो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जिससे वो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु और प्रतिजन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो आया बात समझ में उपार्जित प्रतिरक्षा विधि और इसके प्रकार। तो आपको याद रखना है, पूछ लिया जाए कि बताइए सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। तो आपको विशेष याद रखना है कि सक्रिय प्रतिरक्षा में तो हमारा जो शरीर है वो ही स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा, जबकि निष्क्रिय में क्या होगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हमारा शरीर स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी नहीं बनाता, बल्कि हमें इसे बाहर से जो है लेना पड़ता है, शरीर में इसको प्रविष्ट करवाया जाता है, किसके द्वारा, इंजेक्शन या टीके के द्वारा। तो ऐसी प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो दोनों में अंतर आप याद रखेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जो है लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। धन्यवाद।